इनको शर्म आना चाहिए, मैं खुल के कहूंगा शर्म कर लो। अरे कब तक दिखाओगे? और आज सीबीआई भी बिक रही है। सीबीआई ऐसी बिक रही है जिस पर पूरा देश विश्वास करता था। सबसे बड़ी हमारी भारत की जांच एजेंसी है ये। बताओ अब किस पर विश्वास करेगा ये देश? सर आपका क्या कहना है कि अभी काफी समय से हम देख रहे हैं कि समाज में बाबा रामरीम जी के सत्संग नहीं हो रहे, क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज में? समाज में इतना जबरदस्त फर्क पड़ रहा है कि आज युवा हमारा नशे में लतपत हो रहा है, बलात्कार जैसे हमारी माता बहनों से छेड़छाड़ हो रही है और देश में इतना बुरा हाल हो रहा है, गुंडागर्दी चोरी डकैतियां हो रही हैं। अगर आज मेरा सतगुर मेरा सतगुर प्यारा होता तो समाज को सुधारने का कार्य चल रहा था। 6.5 करोड़ बंदों को उन्होंने सुधार दिया था और मानवता का पाठ उन्होंने इस तक कदर पढ़ाया था कि एक जगह बेटी बहन भाई जो हमारे सतगुरु ने नाते बताए थे कि अपने बच्चे समान मानना है, और जो हमारे बड़े हैं पिता पुत्र के नाते हमें समझाए थे, हमें वो पाठ पढ़ाए थे उन्होंने कि आज बहुत कष्ट होता है। जिस तरह कुछ समय में देखा गया होगा जो मीडिया कर्मियों ने जिस तरह गलत दिखाया है, इस 6.5 करोड़ बंदों को वो हृदय में ठेस पहुंचाई है कि ये तो हृदय बयां नहीं कर सकता, लेकिन बता सकता हूँ कि अभी मीडिया कर्मियों ने अभी सावेरी और गाजियाबाद में जो बिल्डिंगें गिरी थीं और हमारे डेरा सच्चा सौदा की जो टीम थी, प्रशासन का भी धन्यवाद सब कोई देश कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर हम थे तो डेरा सच्चा सौदा के सेवादार लगे हुए थे। प्रशासन ने भी देखा था लेकिन मीडिया की आंखें बंद हो गई थी, उनको दिखाई नहीं पड़ रहा था कि ये कौन है। ये सच्चे सौदे बबर शेर की औलाद लगी हुई है, उस राम रहीम की औलाद लगी हुई है, इनको दिखाई नहीं पड़ रहा था क्योंकि 6.5 करोड़ बंदों को तो इनका नजर आई नहीं। लेकिन जब वहां ये देश देख रहा था कि ये कौन है, देखते तो पहले भी थे जब सफाई अभियान चलाते थे, घरों में जा जाकर हम बताते थे कि आज तो हम साफ कर जा रहे हैं, लेकिन आप इसका सफाई का ध्यान रखना। लेकिन इन्होंने एक बात नहीं बढ़ाई। क्यों नहीं बढ़ाई वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि 6 लाख इन्होंने गुंडे बताए थे हम सब कि ये गुंडे हैं 10 लाख बाबा राम रहीम के। इनको इसलिए शर्म आती कि हम इनको आज कैसे सेवादार बता दें, कैसे बता दें मानवता के रक्षक हैं। तो ये मीडिया कर्मी आंख खोलना चाहिए इनको, इनको एक भी अच्छी बात नजर नहीं आई डेरा सच्चा सौदा में। हर साल कैंप लग रहे और अभी अगले इसी महीने में 9 तारीख से 15 तक कार चलेगा और इसमें भी आंखों में भी अवार्ड लिए हमारे राम रहीम गुरु जी ने, डेरा सच्चा सौदा को अवार्ड मिले हैं, 80 से लगभग अवार्ड मिल चुके हैं। लेकिन कभी भी मीडिया कर्मियों ने एक भी आवाज या कोई हेडलाइन कतई नहीं दिखाई। इनको शर्म आना चाहिए, मैं खुल के कहूंगा शर्म कर लो। अरे कब तक दिखाओगे? और आज सीबीआई भी बिक रही है। सीबीआई ऐसी बिक रही है जिस पर पूरा देश विश्वास करता था। सबसे बड़ी हमारी भारत की जांच एजेंसी है ये। बताओ अब किस पर विश्वास करेगा ये देश? और ये नदियां, हमारे सतगुरु ने सरकार से हाथ जोड़ जोड़ के कहा था कि एक बार हमें तो बता दो, नदियों को क्लीन करा देंगे हम। लेकिन मंत्रीगण महोदयों ने क्या करा, कसमें खाई थी कि अगर ये देश की नदियां साफ नहीं होंगी तो हम इस नदियों में कूद के मर जाएंगे। लेकिन जब बारी आई, जब 2.5-3 साल आए तो इस्तीफा ही दे के भाग गए, ना तो नदियां साफ हो पाई। अगर हमारा सतगुरु होता तो जिस तरह से ये झाड़ू पकड़ा दी मंत्री महोदयों को, ये बड़े बड़े प्रधानमंत्री देश के जो झाड़ू पकड़ रहे हैं आज, और कितने कितने जो है हमारे राजनेता, ये झाड़ू पकड़ाने वाला कौन है? ये कभी मीडिया ने दिखाया? कभी नहीं दिखाया। ए वैश्याओं को बेटी बनाने वाला कौन है? कभी एक भी राजनेता ने आए एक भी बेटी को वैश्या बनाया हो तो वो सामने आए डेरा सच्चा सौदा से बात करे। जिस तरह गंद दिखाया
और ये मीडिया कर्मी तो हमारे सतगुरु से रूबरू होकर सारा डेरा सच्चा सौदा में बैठकर इन्होंने मेरे सतगुरु से बात की थी और ये बोला था कि ये नदियों में गंद फैल रहा है, कैसे साफ करें इसको। लेकिन मेरे सतगुरु ने कहा, बेटा अगर ऐसा है तो नदियों में आप अस्थियां और कोई गंद ना डालो। लेकिन ये सुन रहे थे, इन्होंने क्या गलत दिखाया कि पौधों के अंदर बाबा राम रहीम ने मन्नों को मार मार कर और हड्डियां इनके अंदर दबाई हैं। अरे शर्म कर लो, मेरी आवाज को सुन लो, ये उसी बबर शेर की बच्चे की आवाज है और तड़प तड़प के मरोगे तुम, जैसे संत से पंगा लिया है। मैं दोबारा कहता हूँ, एक बार और मैंने ये आवाज उठाई थी और फिर आवाज उठाता हूँ, तड़प तड़प के मरोगे, भयानक रोगों से कतर कतरे करके मरोगे तुम। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, ये मेरे हृदय की आवाज है। देखिए किस तरह से तमाचेदार जवाब दिया है इन्होंने मीडिया को, उस मीडिया को जिन्होंने डेरा सच्चा सौदा के बारे में क्या कुछ दिखाया था, किस तरह से उन्होंने दिखाया था कि नर कंकाल दबाए जाते हैं। इन्होंने सच उन केसों की, उन बातों की जो मीडिया ने दिखाई, खुलासा किया कि मीडिया तब कहां थी जब बाबा राम रहीम जी ने करोड़ों घरों को स्वर्ग बनाया, नशे से दूर किया और इस तरह सफाई के अभियान चलाए, हमारे देश को पूरा साफ किया, हमारे देश की गंगा मैया उसको तक साफ किया। तब कहां थी मीडिया जब उन्होंने करोड़ों लोगों की जिंदगी, उनको इंसानियत से भरा और उनको इंसानियत के कार्य करने के लिए प्रेरित किया। आज भी जो लोग बाबा राम रहीम जी के बच्चों को, उनको मानने वालों को गुंडे कहते हैं, इनका कहना है तब वो कहां थी मीडिया जब वो बिल्डिंगों से जो बिल्डिंगें गिरी थी, बाबा राम भीम जी के वो बच्चे, वो मानने वाले उन लोगों को बचा रहे थे जिनको वो जानते तक नहीं थे। तब मीडिया ने क्यों नहीं दिखाया कि ये बाबा राम भीम जी को मानने वाले हैं, ये आज भी इस तरह इंसानियत के कार्य में लगे हुए हैं। ये इन लोगों का करारा जवाब मीडिया को और लोगों को, जो लोग कहते हैं कि आज बाबा राम भीम जी को कोई नहीं मानता, जा उन पे आज कौन विश्वास करता होगा, ये इन लोगों का करारा जवाब है। सोचिए लोग क्या कहते हैं, मीडिया ने क्या दिखाया, और जो जिनका विश्वास है बाबा राम रहीम जी पर, जो आज भी डेरा सच्चा सौदा में आते हैं, उसी भावना उसी आस्था से आते हैं, उनका क्या कहना है। हम किसी सूत्रों के द्वारा आपके पास सच कोई खबर नहीं पहुंचा रहे, हम डायरेक्ट लोगों से बात कर रहे हैं, जो सच्चाई हम आपके तक पहुंचाना चाहते हैं। इसका साथ दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और आपके क्या विचार हैं इन लोगों के बारे में जो चीख चीख कर अपनी सच्चाई बयान कर रहे हैं, अपनी गुरु की सच्चाई चीख चीख कर दुनिया में रखना चाहते हैं, किस तरह से बताना चाहते हैं कि मीडिया ने क्या दिखाया, इनके दर्द, अपना दर्द ये लोगों के बीच में रखना चाहते हैं, आपके क्या विचार हैं ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए और जुड़े रहिए और खबरों के लिए और सच्चाई जानने के लिए द फैक्ट टाइप के साथ।